दोस्तों नमस्कार। थोड़ा आनंदित हूं इस बात से कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं कि वो क्या होगा, कैसे बनेगा। तो वीडियो में भी पूत ही के पांव पालने में, हालांकि मैं एक बात कहूं कि ये कहावत भी अजीब लगती है कि पूत के पांव पालने में तो पुत्री के पांव कहाँ नजर आते हैं। चलिए, खैर विषय थोड़ा बदल जाएगा। मैं देख रहा था मेरे वीडियोस, अभी देख रहा था मैं कि मेरे वीडियोस बहुत सारे कंट्रीज में लगातार, रशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में देखे जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, ईश्वर का बहुत बढ़िया आशीर्वाद है कि वो देखे जा रहे हैं। तो चलिए, खैर शुरू करते हैं उस टॉपिक पे जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूँ। बात ये तो चलती रहेगी कि कहाँ देखे जा रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारी जो प्रयास है, ईश्वर का जो आशीर्वाद है, वो सफल हो रहा। तो बात ये आती है कि भाई कल्कि कौन कल्कि कहलाएगा? कल्कि वो कहलाएगा जो पूरे विश्व को एक साथ, पूरे विश्व के देशों को एक साथ एक राह यानी सत्य की राह पर लाएगा। ये काम तो करना हो, वो ही कहलाएगा, वो ही सत्य को मिले जाएगा। और देखिए, बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, इससे पहले वीडियो में नहीं कही। अभी तक क्या हुआ कि जितने भी हम लोग ये सब कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं, रावण मरा, रावण की सोच नहीं मरी, कंस मरा, कंस की सोच नहीं मरी, दुर्योधन मरा, उसकी सोच नहीं मरी, ना उन जैसे ना जाने कितने हैं। ये तो मैं जिनका मुझे याद है उनका कह रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे जितने भी इस तरह के खलनायक हैं वो तो मर जाते हैं, उनकी सोच नहीं मरी। तो जैसे रावण को मारने के लिए, रावण के शरीर को मारने के लिए रावण की नाभि पे प्रहार किया था, ऐसे ही इनकी जो सोच है सबकी, इन राक्षसी प्रवृत्ति की सोच, इन राक्षसी प्रवृत्ति की सोच की नाभि पे वार करके इनको खत्म करेगा कल्कि, तब ही सतयुग में जा पाएंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि सोच को तो नष्ट होना पड़ेगा, सोच के साथ नहीं जा सकते आप। दूसरे देखिए, कलयुग में क्या है कि कलयुग, पहले जो युग थे उसमें, पहले युग और इस युग में अंतर है। कलयुग में जो पारिवारिक मोह है ना, मोह माया, माया मोह, परिवार का मोह तो कलयुग में वैसे ही खत्म है। वैसे लोग बड़े परेशान है, भाई प्यार नहीं रहा, अपनापन नहीं रहा। तो कलयुग में मोह खत्म हो रहा है। मोह लग रहा है किससे? पैसे से, हवस से, मशीनों से, मोबाइल से, इनसे मोह है। तो ये भी छूटेगा, छूटने में जो कष्ट होता है वो तो होगा ही, चाहे किसी से भी मोह कर लो। इसका अर्थ यही है कि मोह भी हटेगा। अभी क्या, पर कलयुग में परिवार से, अपनों से मोह नहीं है। दूसरे समस्या क्या है कि अधर्म की पहचान कैसे होगी? जब समस्या सामान्य व्यक्ति की हो और पूरे वर्ल्ड में हो जाए, पूरे वर्ल्ड के लोग, सामान्य लोग एक ही समस्या से परेशान हो, सामान्य व्यक्ति की समस्या के लिए असामान्य व्यक्ति प्रकट होता है, और वो उस सामान्य व्यक्ति को, एक को नहीं, पूरे सभी लोगों को उस समस्या से निजात दिलाने के लिए जो कार्य करता है उसी को कहते हैं धर्म, जो सबके लिए हो। तो ये बात तो बहुत गहरी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रही जाए कि अधर्म का क्या है, अधर्म का मेन मेन कार्य क्या है? पतन करना। पतन किससे? तन से, मन से, धर्म से, कर्म से, इन सब चीजों से अधर्म पतन करता है। और अधर्म क्या है? अधर्म चाहता है शॉर्टकट, जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाए। अधर्म धर्म के घर में घुसने की कोशिश करता है, क्योंकि यहां शाश्वत तो धर्म है, और शॉर्टकट में सब कुछ आएगा, जल्दी जल्दी मार्ग ढूंढेगा, जल्दी जल्दी सफलता ढूंढेगा, जल्दी जल्दी जो भी कुछ करने की कोशिश करेगा। और क्या है कि अधर्म का मेन मूल स्वभाव होता है अशांत। शांत नहीं हो सकता, शांत तो धर्म है, अधर्म की पहचान बता रहा हूं। फिर उससे आप अधर्मी की पहचान कर सकते हैं। अब प्रकृति का क्या है? प्रकृति का एक नियम है, साइंस वाले स्टूडेंट भी समझ लीजिए और बाकी जितने भी हो सब लोग समझ लीजिए, स्टूडेंट कह रहा हूँ, मतलब हम सब स्टूडेंट ही हैं। प्रकृति का नियम है कि एक्शन का रिएक्शन, और गजब बात यह है कि पहला एक्शन बुराई करती है, अधर्म करता है पहला एक्शन, तो तुरंत ही, क्योंकि हम
कि पूरी पूरी सृष्टि शांत है, यह सब धर्म का राज है। जैसे ही अधर्म ने अपना मुंह अपना आधिपत्य करने की कोशिश करी धर्म के घर में, तो वहां एक्शन किया और वो रिएक्शन धर्म एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन, ये प्रकृति का नियम साथ साथ होता है। जैसे घड़ा भरा धर्म उस पर अपना आधिपत्य करके वही धर्म की रक्षा करने के लिए शक्तियां, जैसे ही घड़ा भरता है कोई पैदा थोड़ी होता है, उस समय शक्तियां एक्शन रिएक्शन के रूप में तुरंत प्रकट हो जाते हैं अवतारी शक्तियां। जैसे ही धर्म का घड़ा भरता है, पैदा नहीं होते, पैदा तो पहले ही हो चुके होते हैं। और एक और मैं बता दूं आपको बात, देखिए 64 कलाएं हैं कल की ईश्वर की, कल की भगवान की, कल की अवतार की। वो 64 की 64 कलाएं एकदम से नहीं वो पहचान सकते आप 64 कलाएं, क्योंकि वो बचपन से होंगे उनके अंदर कलाएं, वो बचपन से ही और उम्र के अंतिम पड़ाव तक वो कलाएं धीरे 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 आएंगी और उनमें आप ऐसे रम जाओगे एकदम 64 कलाएं एकदम नहीं दिखाई देंगे आपको, अपनी उम्र के पड़ाव पे वो सबसे सुपर नजर आएंगे। बचपन से लेके जिस जिस उम्र में होंगे वो उनमें सबसे अलग नजर आएंगे, आप उन्हें वैसे नहीं पहचान सकते। बचपन में बहुत बड़े होना होंगे तो बचपन में अलग, थोड़ा सा किशोरावस्था में, फिर जवानी में, फिर थोड़ा ऐसे करके, मतलब आप उनकी उम्र से उनको उस अवस्था में नहीं पहचान सकते कि 64 कलाएं एकदम दिख जाएं आपको। एकदम तो आपको तभी दिखेंगे जब वो प्रकट हो जाएंगे कि हाँ भाई ये है, इनके अंदर ये सारी कलाएं, वो बाद में सब चीज़ें लिखी जाएंगी। तो यही कहने का मतलब यह है कि ये चीज़ें कल की अवतार की जो मैंने बातें बताई आपको, और फिर जोड़ देता हूँ इस बात से कि देखो अभी मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे कंट्रीज में मेरे वीडियो देखे जा रहे हैं, मैक्सिको, ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, अर्जेंटीना, रशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे वही बताने मैंने 64 पहले वीडियो में 64 व्यू थे और 64 कंट्रीज। और एक और बात बता दूँ, ये 10वें अवतार है, मतलब 24 अवतार होते हैं विष्णु भगवान के, 10 संपूर्ण अवतार हैं। और मैंने कहा ना 64 व्यू थे, 6, 4, 10 और 64 कंट्रीज, 6, 4, 10। जय हो कल की भगवान की, बाकी आपके कमेंट का इंतजार है।